हे गाइस, देखो टेक्सटाइल सेक्टर में एक बहुत बड़ी खबर आने वाली है। बहुत बड़ी मतलब बहुत अच्छा, किस तरीके का खबर आने वाला है देखिए। जैसे कि रेलवे सेक्टर में जो तेज़ी देखने को मिली थी सर, देखने को मिली थी, नहीं मिले थे है कि नहीं, सारे स्टॉक्स भाग रहे थे सारे के सारे। ठीक है, डिफेंस में देखने को मिला था सर, डिफेंस वाले सारे स्टॉक्स तेज़ी में थे सर, सारे के मतलब सारे। अब जो है सर, इस बार टेक्सटाइल की बारी है। किसकी बारी है सर? टेक्सटाइल सेक्टर की बात कर रहा हूँ मैं, किसी स्पेसिफिक एक कंपनी नहीं बोल रहा हूँ सर, मतलब कोई एक्स वाई जेड ये कंपनी इसको फ़ायदा होगा ऐसा नहीं। मतलब गवर्नमेंट जब कोई चीज़ लाती है तो सर सबके लिए लाती है, सब लोग अपना बेनिफिट ले सकते हैं। तो सर टेक्सटाइल इस बार कुछ बड़ा हो सकता है सर टेक्सटाइल में, क्योंकि ये जो पिक्चर मैं आपको दिखा रहा हूँ ना सर, इस पिक्चर में कुछ छुपा हुआ है। टेक्सटाइल में होता क्या है सर कि टेक्सटाइल में रोज़गार बहुत मिलता है लोगों को, रोज़गार बहुत मिलता है। और ज़्यादातर लोग अगर आप देखोगे तो हमारी माता जी को या बहन जी को सर ज़्यादातर रोज़गार इन लोगों इस ये सारी चीज़ों में मिलता है सर। और ये लोग बहुत अच्छी तरीके से सर मन लगा के भी काम करते हैं। तो टेक्सटाइल एक ऐसा सेक्टर है, आप जैसे मान लेते हैं डिफेंस, ठीक है सर डिफेंस मान लेते हैं, तो सर डिफेंस या रेलवे हो जाता तो उसमें क्या होता है कि सर मेल को ज़्यादातर जॉब लगता है, फीमेल में है लेकिन थोड़े कम है। लेकिन टेक्सटाइल में होता क्या है कि सर यहाँ पर ज़्यादातर फीमेल होती है, तो सर हमें क्या है उनको भी तो एक कदम आगे लाना है सर, उनके लिए भी तो एक एक दरवाजे खोलने हैं है कि नहीं। तो अब टेक्सटाइल सेक्टर में काफ़ी बड़ा लमसम 1 लाख करोड़ तक पैसा खर्च किया जा सकता है। याद है 2 साल पहले सर टेक्सटाइल कंपनियों को 2 मेगा पार्क बनाने के लिए या 3 मेगा पार्क बनाने के लिए इंडिया में खबर आई थी 2 साल पहले टेक्सटाइल में, तो सर सारे स्टॉक्स कम से कम 10 10 गुना हो चुके थे, मतलब 8 to 10 टाइम तो हो ही गए थे सर। देख लीजिए, ये बार बार ऐड आके परेशान करेगा आपको, ठीक है। गवर्नमेंट आई 95,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट, कितना सर? 95,000 करोड़, 2.25 मिलियन जॉब इन टेक्सटाइल, देख लीजिए। तो सर ये चीज़ याद रखिएगा, जनरल क्वेश्चन में आपसे कभी भी पूछा जा सकता है। टेक्सटाइल सेक्टर ज़्यादातर रोज़गार पैदा करता है सर, पैदा करता है मतलब ज़्यादातर रोज़गार देता है लोगों को। इस वजह से इस सेक्टर को आगे लेके जाना ही जाना पड़ेगा। टेक्सटाइल सेक्टर की मैं आपको बता देना चाहता हूँ वैल्यू सर, चाइना पूरे वर्ल्ड पे राज करता है, पूरी दुनिया पे राज करता है, इंडिया के बाद तो छोड़ पूरी दुनिया पे राज करता है। 40% कैपेसिटी रखता है सर टेक्सटाइल का, कितना कितना? 40% है, इंडिया केवल 6% पूरे वर्ल्ड का। सोच लो चाइना कहाँ जा चुका है सर। इसी वजह से तो चाइना इतनी तेज़ी से डेवलप हो चुका है, जो कि चाइना आजकल के डेट में देखो तो अमेरिका को टक्कर देने में लगा हुआ है। सोच लीजिए, भले ही चाइना अगर देखते हैं कुछ सालों से ग्रोथ नहीं है, लेकिन सर वो ग्रोथ लेके क्या करे, वो तो डायरेक्ट अमेरिका को टक्कर दे रहा है, सोच लीजिए। और हम में अमेरिका में या चाइना में बहुत फर्क है सर, हम उन लोगों से भी बहुत दूर हैं, याद रखें, ठीक है। 40% है और इंडिया केवल 6%, अगर यहाँ से डबल भी हो जाता है सर, 6 से अगर 12% भी अगर हो जाता है तो सर बहुत बड़ी बात रहेगी। इसलिए इस सेक्टर में ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट करना बहुत सही है, क्योंकि सर लोगों को रोज़गार मिलेगा और हम सर चीज़ों को बड़े लेवल पे एक्सपोर्ट भी तो कर पाएंगे सर, एक्सपोर्ट भी तो करेंगे पूरे इंटरनेशनल मार्केट में सर, है कि नहीं है। जब एक्सपोर्ट करेंगे तो सर बहुत बड़े बड़े लगभग जो है हमारे इंडिया के अंदर पैसे भी आएंगे। अब लोग बोलेंगे यार मैंने तो टेक्सटाइल शेयर खरीदा है, प्रॉफिट नहीं हो रहा है। हाँ अच्छी चीज़ है, प्रॉफिट क्यों होगा? अच्छा एक बात बताओ, आपको टेक्सटाइल स्टॉक प्रॉफिट क्यों देंगे सर? आपको नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। आप लोग बोलेंगे सर तो फिर वीडियो क्यों बना रहे हो? देखो उन लोगों को प्रॉफिट दिया जाएगा जो लोग सच्चे मन से खरीद रहे हैं। अब आपका मन सच्चा नहीं है तो सर फिर क्यों प्रॉफिट देगा? आप लोग बोलेंगे इसमें मन की क्या बात है, पैसे की जरूरत है ना, मैं पैसे लगा रहा हूँ। देखो याद रखिएगा, कभी कभी ना सर पैसे से हर एक चीज़ नहीं खरीदा जा सकता, याद रखिएगा, ठीक है। कभी कभी सर सच्चे मन की जरूरत होती है। अब जैसे कि मान लीजिए कोई एक्स वाई जेड कंपनी है, लोग बोलेंगे सर मैंने तो 500 करोड़ लगा दिया। भाई आप पूरी दुनिया के पैसा भी लगा दो फिर भी आपको 1 रुपया प्रॉफिट नहीं मिलेगा, उल्टा लॉस मिलेगा। क्यों? पैसे लगाने से थोड़ी ना कोई बड़ा हो जाता है सर, थोड़ा बहुत दिमाग भी लगाना पड़ता है। पैसा तो अनिल अंबानी जी के पास भी था, दुनिया के 7वें अमीर आदमी थे सर, आज डूब गए बेचारे, जेल में भी खाना खा के आ चुके हैं या फिर शायद जाने ही वाले थे, है कि नहीं। बड़े बड़े लोग होते हैं सर यहाँ पर, ठीक है। किंग फिशर आपको पता है ना सर, विजय माल्या भी बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, आज बेचारे देख लो भागे फिर रहा है। कितने बड़े बड़े बिजनेसमैन, तो याद रखिए पैसा से, ठीक है, वो अलग चीज़ है। यहाँ पर कंपनी खुद ही बोल रही है ये जो फंड फ्लो होने वाला है सर 2.25 मिलियन जॉब क्रिएट करेगा, अपॉर्चुनिटी बताया जा रहा है, जो कि बताया जा रहा है यहाँ पर अपॉर्चुनिटी इन द नेक्स्ट 4 to 6 ईयर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द, यहाँ पर देख सकते हो जो भी सीनियर गवर्नमेंट और जो ऑफिशियल ऑफ बताया जा रहा है, जो भी मतलब रिपोर्ट उनकी तरफ से आ रहा है, तो क्या बोला जा रहा है कि सर ये सारा बेनिफिट आने वाले 4 से 6 सालों में मिलने वाला है। तो अगर आप टेक्सटाइल कंपनियों पर खरीद रहे हो, पैसा लगा रहे हो सर, तो सच्चे मन कैसे लगाओगे? 5 साल अगर आप पेशेंस रख सकते हो तो। पैसा लगा के बोलोगे सर 2 दिन हो गया स्टॉक चला ही नहीं, 3 दिन हो गया, 1 हफ्ते हो गए यार,
एक महीने हो गए, इतना में तो समर वेकेशन हॉलीडे भी चला जाता है। एक साल हो गया यार, इतना में तो बैंक भी रिटर्न दे देता। 2 साल हो गए, इतना में तो मैं कहाँ पहुँच जाता है भाई। रुको 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 रुको, स्टॉक मार्केट पेशेंस का ही खेल है, इसलिए थोड़ा समझिए। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट आज पैसा डालेगी और सारा चलना स्टार्ट कर देगा। RVNL देखेंगे तो जब उसका IPO आया था तो सर 3.5 ईयर, 3 से 4 साल के बाद वो चलना स्टार्ट किया। जितने भी डिफेंस वाले स्टॉक थे सर, वो जेन टेक्नोलॉजी देख लिया, वो भी सर 3-4 सालों के बाद चलना स्टार्ट किया। और भी जितने भी आप भारत डायनेमिक वगैरह और भी जितने भी देखोगे, वो तो सर उल्टा गिरे हुए थे 40-50%, और 4-5 साल बाद वो चले हैं। याद रखिए, पेशेंस रखना होगा, तभी आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। सर जो बोला जा रहा है कि सर 25,000 करोड़ रुपए यहाँ पर जो बताया जा रहा है PLI स्कीम के तहत जो है पैसा खर्च किया जाएगा, ठीक है। प्रोडक्शन यहाँ पर देख सकते हो, लिंक इंसेंटिव जो आपको देखने को मिला है, ठीक है ना सर। जो भी स्कीम्स है PLI वहाँ पर ये पैसा खर्च किया जाएगा। और सर जो 70,000 करोड़ रुपए है ना सर यहाँ पर, वो क्या किया जाएगा कि लगभग सर मेगा पार्क बनाने के लिए जो यहाँ पर जो स्कीम्स दिया जाएगा ना, इनके लिए पैसा जो है खर्च किया जाएगा, ठीक है। रीजंस आपको जो बताया जा रहा है, तो ये यहाँ पर पैसा खर्च किया जाएगा दो तरीके से। गवर्नमेंट चारों तरफ से कोशिश कर रही है बूस्ट करने के लिए, लेकिन ये सारी चीज़ें यहाँ पर भी इन्होंने लिख दिया है सर 4 to 6 ईयर। तो प्लीज़ किसी भी टेक्सटाइल स्टॉक को खरीद रहे हो तो अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा कि पैसा कम और पेशेंस ज़्यादा लगाना है। अब पेशेंस अगर आप कम लगाते हो, पैसा ज़्यादा लगा देते हो, तो सर फिर कुछ खास फायदा नहीं हो पाएगा आप लोगों को। और ये लोग जो है ना सर, ज़्यादातर मैन मेड फाइबर पर ये लोग ध्यान दे रहे हैं, फोकस फोकस उनका वही है, ठीक है। और ये बोलना चाहते हैं कि भाई टेक्सटाइल टू बूस्ट लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, भाई ठीक है ना, छोटे मोटे नहीं, छोटे मोटे तो कोई भी काम कर लेगा, ठीक है ना भाई। लार्ज स्केल पे आपको मैन्युफैक्चरिंग करना है, इनहेंस यहाँ पर देख सकते हो कॉम्पिटिटिवनेस बताया जा रहा है। और ये ना क्यूमुलेटिव टर्नओवर आपको दिखाना है, नॉर्मल टर्नओवर नहीं सर, क्यूमुलेटिव टर्नओवर मतलब पिछला जो टर्नओवर था उससे आगे जाना है और प्लस करके आगे जाना है सर। याद रखे, ठीक है ना। 3 ट्रिलियन की बात की जा रही है सर यहाँ पर, ठीक है। मैंने आपको वीडियो स्टार्टिंग में आपको क्या बोला था सर, 1-2 साल पहले 2021 में देख सकते हैं 10,683 करोड़ तक का PLI स्कीम से आपको दिया गया था। और तभी से सर सारे स्टॉक्स मतलब 5 गुना 8 गुना या 10 गुना तक रिटर्न निकाल के दिए थे। और 2.5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा सर, 1 या 2 लोगों को नहीं मिलने वाला है। बहुत बहुत अच्छी चीज़ है सर, ठीक है। धीरे धीरे और ज़्यादा लोगों को, ये तो डायरेक्ट बेनिफिट हो गया, इतने लोगों को रोजगार मिलेगा 2.5 लाख सर। इनडायरेक्ट लोगों को भी तो मिलेगा ना, है ना, इनडायरेक्ट भी तो मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हो बताया जा रहा है 7 पार्क्स आर सिलेक्टेड फॉर डेवलपमेंट इन विरुद्धनगर, ठीक है। बहुत सारे कहाँ कहाँ आपको बताया जा रहा है, तमिलनाडु हो गया, तेलंगाना हो गया सर, गुजरात हो जाएगा, कर्नाटका हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, लखनऊ हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है, महाराष्ट्र हो जाएगा, मतलब ऐसे ऐसे हर जगह पर सर आपको देखने को मिल जाएगा सर, ठीक है ना। मेगा टेक्सटाइल पार्क आपको देखने को मिल जाएगा सर, याद रखिए। ऑन थर्सडे ये सारी चीज़ जो है खबर आते हुए नजर आ रही है, तो समझ लीजिए कि मतलब बहुत बड़ी मतलब यहाँ पर डेवलपमेंट आपको देखने को मिलने वाली है सर। चलिए आपकी मदद के लिए मैं एक छोटा सा आप लोगों को कंक्लूजन भी दे देता हूँ, ठीक है। हमारे इंडिया में टोटल 47 टेक्सटाइल वाले कंपनी है, ठीक है। कितने हैं 47 टेक्सटाइल वाले कंपनी देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और भी होंगे, 5-10 और भी होंगे, लेकिन 47 यहाँ पर हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, याद रखें। अब देखिए सर 47 है तो सबके बारे में तो अगर मैं नाम भी लेना स्टार्ट करूँ तब तो सर ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो मैं आपको जल्दी जल्दी दिखा दूंगा, ठीक है। बस मैं आपको इतना बोलना चाहता हूँ कि सर यही 47 स्टॉक्स में से कुछ 5 या 10 ऐसे स्टॉक रहेंगे जो सुपर मल्टीबगर बन चुके होंगे, सुपर मल्टीबगर बन चुके होंगे सर। जिस तरीके से डिफेंस में आपको देखने को मिला, तो आपको ढूंढना है सर, ढूंढना है। या फिर मुझे अगर आप चाहते हो कि नहीं, अगर आप चाहते हो कि मेरे से नहीं हो पाएगा, आप ढूंढ के दो इस तरीके से कम आप कमेंट करके बोल सकते हो कि हाँ मैं ढूंढ के दूं 47 स्टॉक्स में से, मैं आपको 5 ऐसे स्टॉक्स ढूंढ के दूं जो सबसे ज़्यादा बेस्ट है, और क्यों बेस्ट है, और क्यों ये स्टॉक्स में ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगा, गवर्नमेंट का सबसे ज़्यादा डायरेक्ट बेनिफिट कैसे देखने को मिलेगा। अब देखो टोटल जरूरी नहीं है कि 5 हो सकता है, 2 ही निकले, 3 ही निकले या 10 भी निकल जाए, तो मुझे रिसर्च करने में थोड़ा टाइम लगेगा। अगर इस वीडियो में कम से कम अगर आप 700 लाइक कर देते हो, कितने 700 लाइक कर देते हो, तो मैं समझूंगा कि लोग इस फील्ड में इंटरेस्टेड है, टेक्सटाइल के सेक्टर में इंटरेस्टेड है। अगर 700 लाइक कर देते हो तो फिर मैं वीडियो बना दूंगा, कल ही नहीं बना दूंगा, टाइम लूंगा, अपना पर्सनल टाइम लूंगा, कम से कम 4-5 दिन का या 10 दिन का टाइम लूंगा, और पूरी तरीके से रिसर्च करूंगा, देखूंगा, आपको बता दूंगा, ठीक है। या तो फिर आप खुद रिसर्च कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं, तो अगर आप चाहते हैं मैं करूं तो, ठीक है, कमेंट कीजिएगा। और कम से कम 700 लाइक्स रहेगा तो मैं समझूंगा कि हाँ लोग इंटरेस्टेड है करके, ठीक है। लाइक करने से मुझे 1 रुपया भी फायदा नहीं मिलेगा, मैं बस देखना चाहता हूँ कि कितने लोग इस फील्ड में इंटरेस्ट ले रहे हैं, तभी तो भाई उसके ऊपर वीडियो बनाया जाएगा। नहीं तो मैं वीडियो बना दूंगा, लोग इंटरेस्टेड नहीं है, तो फिर दोनों तरफ से बेकार हो जाएगा ना, क्योंकि मैं भी 10-15 दिन टाइम दूंगा, एक नहीं 2-4 लोग मिल के ध्यान देंगे इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है, ट्राइडेंट तो आप लोगों को पता ही होगा सर, ठीक है, वेल्सपून तो आप लोगों को पता ही होगा, वर्धमान टेक्सटाइल तो आप लोगों को पता ही होगा, इस तरीके से बहुत सारे इसके ऊपर तो मैंने वीडियो भी बना रखे हैं, ठीक है। लक्स यहाँ पर देख सकते हो, CRM सिल्क आप देख सकते हो, ठीक है।
आलोक तो भाई रिलायंस का, ये तो आप लोगों को पता ही है, बॉम्बे हो गया ये, ठीक है, बॉम्बे डाइंग आपको देखने को मिलेगा, ग्लोबल टेक्सटाइल हो गया, गो फैशन हो गया, ऑर्बिट हो गया, ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे ये सारे ये टेक्सटाइल वाले स्टॉक्स हैं, सारे के सारे ये सारे जो है ये जिंदाल बहुत बड़ी कंपनी है, सुपर मल्टी बगर सर कंपनी एकदम देख के प्यार हो जाएगा आपको, इस तरीके से कंपनी ने रिटर्न दे रखा, देख लीजिए सर जिंदाल मतलब इंडिया का सबसे बड़ा कंपनी है स्टील मैन्युफैक्चरिंग में, और इसी तरीके से ये उसी ग्रुप का कंपनी मतलब बिलोंग करता हुआ नजर आता है, लंबे समय में बहुत तगड़ा वाला रिटर्न निकाल के दिया है, देख लीजिए, ठीक है, तो मैं आपको बोलूँगा एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है ना। सिवा हो गया, फिर उसके बाद AYM आपको देखने को मिल रहा है, पशुपति आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे यहाँ पर स्टॉक्स आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, बिरला ग्रुप का भी है टेक्सटाइल में, ठीक है, एक तो कौन सा है, हाँ बिरला फैशन करके वो भी है सर, ठीक है, ये सारे टेक्सटाइल वाले स्टॉक हैं सारे के सारे, ठीक है, तो इतने सारे सर टेक्सटाइल वाले स्टॉक्स आपको देखने को मिल रहे हैं, तो ध्यान दीजिए, अगर आपको पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता है तो ध्यान दीजिए, ठीक है, तो इतने सारे यहाँ पर स्टॉक्स हैं, ये सारे में से कोई मुझे लगता है कि 5 या 10 मल्टीबगर बनेंगे, तो ये सभी चीज़ों को मैं देखूंगा, एनालाइज करूंगा, उसके बाद मैं आपको कुछ बताने की कोशिश करूंगा, देखते हैं वीडियो में 700 लाइक्स होते हैं कि नहीं होते हैं।